नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। किसी भी तरह का जंग हो, आपके द्वारा लिए गए फैसले और आप किस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में जंग किसी भी तरह का हो परिणाम बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है लगातार, जिस तरह से मुकेश सहनी की एक बार फिर से एंट्री हुई है, और चाहे वो झारखंड का चुनाव हो या कई राज्यों में चल रहे जो उपचुनाव हैं, उसमें मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर से चुनाव प्रचार में हैं। और अचानक से मुकेश सहनी ने एक ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक रहे हैं और वो जानते हैं कि किस दाव से भारतीय जनता पार्टी को चित किया जा सकता है। मुकेश सहनी ने झारखंड में एक ऐसा नस पकड़ लिया है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। पहले भी हमने आपको बताया है कि जो झारखंड का चुनाव है वो आदिवासी बनाम गैर आदिवासी का होता नज़र आ रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री को गिराने और जेल भेजने की बात कह करके जिस तरह से मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है, वो कहीं ना कहीं अचानक से अंतिम चरण में और चुनाव प्रचार के लगभग एक दिन समाप्त होने के पहले गेम को ही पलट दिया है। सुनिए क्या कहा है मुकेश सहनी ने, जिससे पूरा का पूरा गेम ही पलट गया है और भारतीय जनता पार्टी की दाएं बाएं देखने की स्थिति आ गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी। और विश्वनाथ जी को जिताना है साथियों, हमारे पार्टी के सभी नेतागण से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और किस तरीके से भाजपा वाले ने, एनडीए वाले ने हमारे पार्टी को तोड़ा और हमारे विधायक को लिया। तो साथियों, ये समय आ चुका है उनसे बदला लेने का। और साथियों, इस देश में नफरत की राजनीति हो रही है, हम लोगों को भाईचारा की राजनीति करना है। हमें नफरत की ओर नहीं भागना है, हमें सामाजिक न्याय के साथ चलना है। उस सामाजिक न्याय में जहां पे आदरणीय लालू प्रसाद जी का आत्मा बस्ती हो, ऐसे सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है। हमारी विचारधारा है, जो जमीन पर बैठे हैं उसको कुर्सी मिलना चाहिए, ऐसी हमारी विचारधारा है। आज की तारीख में देश में देखिए किस तरीके से जो पार्लियामेंट में शपथ लेता है ग्रंथ का कि हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन वही लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं। बटोगे तो कटोगे, इस तरीके की नारा लगा रहे हैं। ये नारा तो हमारे देश में मुसलमान भाई लगाना चाहिए। हम 83% हिंदू हैं और 98 से लेकर अब तक ज्यादा से ज्यादा समय में भाजपा सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रहे हैं, और उसके बाद आज इस तरीके से नारा लगा रहे हैं। वो आपको सिर्फ बांटना चाहता है साथियों, वो बांटना नहीं चाहता है। आप सब, हम सब लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा के साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको हक अधिकार मान सम्मान सब चीज मिलेगा साथियों, सब चीज मिलने वाला है साथियों। तो इसलिए साथियों, आप सबसे अपील है कि मजबूती से हमारे इंडिया गठबंधन के साथी डॉक्टर विश्वनाथ जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप सबसे आग्रह है कि मजबूती से यहाँ पे इनको वोट दीजिए। और ये हमारा टेस्ट मैच है। क्या आप लोग चाहते हैं ना कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने? चाहते हैं ना? जब मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, एक नंबर का कुर्सी पर बैठेंगे तो दो नंबर का कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा भी बैठेगा साथियों। क्या चाहते हैं ना? तो मजबूती से ये टेस्ट है, और मजबूती से हमारे भाई डॉक्टर विश्वनाथ जी को जिताइएगा। माला पहना देना, पहना देना भाई, इधर से आवाज नहीं आ रहा है, सही है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों के बीच में बिहार से मैं आया हूँ एक संदेश लेकर कि हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों का विचारधारा एक ही है, जो जमीन पे बैठे उनको कुर्सी देना, सम्मान के साथ वो जिए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आज देश में जो सरकार है वो तानाशाह सरकार है, वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा आदिवासी दलित का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहते हैं कि तमाम देश के सभी गरीब लोग हमारा गुलाम बन के रहना है, ताकि इसलिए वो उनके गुलामी करते रहे। इसलिए साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको हमको अपने वोट गिराने का अधिकार दिया है, इसलिए साथियों उस वोट को सही से अप्लाई कीजिए और आने वाला अपने पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए साथियों। आज मैं देख रहा हूँ कि देश में एकमात्र
आदिवासी का बेटा राज्य में मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन आपने देखा किस तरीके से पहले तो कोशिश किए अपने पैसे के दम पर सरकार गिराने के लिए, जब वो नहीं हो सका तो उन्होंने देखा आपने किस तरीके से एक राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। साथियों, इसलिए साथियों आप सबको आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है, हम लोग को लड़ाई लड़ना है, इसलिए आप सभी को यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यहाँ पे प्रत्याशी हमारी बहन रेशमी प्रकाश जी यहाँ पे प्रत्याशी बनी हुई है, तो आप सबसे आग्रह करने के लिए आए कि 3 नंबर क्रमांक पे लालटेन पे बटन दबा के आप लोग उनको विजय बनाइए, ताकि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आपके झारखंड में सरकार बने और गरीब पिछड़ा दलित महिला सभी को हक अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700। धन्यवाद।